बड़ी खबर इस समय की मिल रही है पश्चिम बंगाल से। दक्षिण 24 परगना के जयनगर में 10 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या से लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। भीड़ ने पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की। बच्ची का शव खेत में पाया गया। सीसीटीवी वीडियो के बाद रेप के आरोपी को पकड़ लिया गया है। बहुत दुखद खबर आ रही है। लोगों का आक्रोश काफी फूटा है। पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की जानकारी है। बंगाल का दक्षिण 24 परगना और तस्वीरें आपके सामने। यहाँ पर लोगों का हुजूम टूट पड़ा और किस तरीके से लोगों ने हाथों में डंडे थाम कर तोड़फोड़ की। इस बीच खेत में इस बच्ची का शव बरामद हुआ था। आरोपी पकड़ा गया है। लोगों का आक्रोश थामे नहीं थम पा रहा। पुलिस चौकी पर पहुंचे, हाथों में लाठियां थाम कर, डंडे थाम कर और जमकर तोड़फोड़ की करते नजर आए हैं। ये दक्षिण 24 परगना का मामला है जहाँ पर एक बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई और उसका शव खेत से बरामद हुआ है। आरोपी पकड़ा जा चुका है लेकिन लोगों का आक्रोश नहीं कम हो पा रहा। दो बड़ी तस्वीरें आपके सामने जहाँ पर थाने के बाहर उत्पात करके अपना गुस्सा दिखाते ये लोग पहुंचे हैं, अपना रोष दर्ज करवा रहे हैं, अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं और काफी ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं। समित सेन गुप्ता, गुस्साई भीड़ यहाँ पर काबू में नहीं आ पा रही है। बहुत ही दुखद मामला दक्षिण 24 परगना से सामने आया। एक बच्ची के रेप के बाद उसको मौत की घात उतार दिया गया। कैसे मौजूदा हालात है, तस्वीरें काफी यहाँ पर नजर आ रही है तनावपूर्ण। समित स्वामित सिंह गुप्ता, आप तक मेरी आवाज अगर पहुंच पा रही है तो बताइए मौजूदा हालात कैसे हैं। बहुत ही दुखद मामला दक्षिण 24 परगना से सामने आया है। देखिए, जो पता चल रहा है कि ये क्लास 4 की ये बच्ची कल दोपहर 2 बजे वो महिषमारी हाट के पास का इलाके में उनको देखा गया और वहां पे जो स्थानीय लोग बता रहे थे कि एक युवक के साथ वो साइकिल में जा रही थी। इसके बाद से वो बच्ची को नहीं मिल रहा था। बहुत ढूंढने के बाद उनको देर रात उस बच्ची को एक पास के एक खाली मैदान से उसे मिला, जमीन से मिला। और इसके बाद गुस्साई भीड़ ने पुलिस के पास वो जाके वो कंप्लेन लिखवाया और जिस युवक के साथ उसको देखा गया था उसको उसके खिलाफ कंप्लेन किया। पुलिस ने उनको उस युवक को हिरासत में ले लिया। इसके बाद ही गुस्साई भीड़ ने सुबह से ही लगातार वहां पे प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन के बाद इस वक्त कुछ देर पहले ही उन्होंने पुलिस आउटपोस्ट जो है जयनगर थाना इलाका का जो पुलिस आउटपोस्ट में तोड़फोड़ किया और इसके बाद पुलिस कैंप जो है उस पर भी आग लगा दिया। इस वक्त पुलिस की भारी संख्या में पुलिस यहाँ पर मौजूद है और पुलिस कोशिश कर रहा है कि लोगों का गुस्सा ठंडा किया जाए लेकिन वो शांत नहीं हो रहे, इसलिए पुलिस लाठीचार्ज भी शुरू कर दी है। तस्वीरों पर जी न्यूज़ की नजर लगातार है। तस्वीर दक्षिण 24 परगना की आपके सामने है। एक 10 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया गया, उसको मौत के घाट उतार दिया गया। उसके बाद गुस्साई भीड़ यहाँ पर काबू में नहीं आ पा रही है। पुलिस चौकी में तोड़फोड़ जारी है। আমার বক্তব্য হচ্ছে যে এই অপরাধ করেছে তাকে আমরা একদম অবধারিত সাজা করে দেবো। স্যার আমরা যদি না পারি আমি কুলতলি থানার আইসি, তবু আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, পুলিশের পক্ষ থেকে কথা দিচ্ছি, আমি অবধারিত, আমি তো তোমাকে পরিচয় দিচ্ছি, আমি কুলতলি থানার বড়। তোমরা আমার সঙ্গে যোগাযোগ রাখো।